दोस्तों, मेरा नाम है रोहन सिंह और मेरे इस YouTube चैनल सौर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, इससे आने वाली वीडियो सबसे पहले तक आपको ही मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बोलकर अथवा लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, तब हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। इन सभी शब्दों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब और छठवा होता है प्रीपोजिशन होता है, सातवां होता है कंजक्शन और आठवां होता है इंटरजेक्शन। आज हम लोग सबसे पहले नाउन देखेंगे, नाउन क्या होता है। आइए देखते हैं द नाउन। ए नाउन इज ए वर्ड यूज ऑस द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। हिंदी में इसका अर्थ होगा किसी प्राणी स्थान वस्तु गुण दशा अथवा कार्य आदि के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। आइए हम लोग नोट इंपॉर्टेंट में देखते हैं। किसी शब्द का व्यापक अर्थ है जिसके अंतर्गत देश स्थान नदी पहाड़ और वे सभी वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं सुन सकते हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। आप लोग ये सभी टॉपिक नोट करते चलिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आइए हम लोग एक बार और देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल परिभाषा से। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड अस The name of a person, place or thing। इसको हिंदी में हम लोग देखेंगे किसी प्राणी स्थान वस्तु गुण दशा अथवा कार्य आदि के नाम को noun या संज्ञा कहते हैं। नोट में आप देखिए, आप लोग इसे नोट भी करते चलिए, ठीक है। वस्तु शब्द का व्यापक अर्थ है इनके अंतर्गत देश नदी पहाड़ और वे सभी वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं सुन सकते हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला है हमारा सीता इज ए गुड गर्ल। तो ये जो अभी मैंने क्या बताया था, नाउन इज द नेम एनी पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये कोई प्राणी हमें दिख रहा है, जो सीता है ये कोई प्राणी है, तो इसलिए हमें नाउन हमारा क्या होता है, सीता। ये सीता कोई प्राणी है। आगे देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर, आगरा इज ए ब्यूटीफुल कंट्री। तो मैंने बताया था स्थान, तो आगरा एक स्थान है, कहीं आगरा है। आगे हम लोग देखते हैं माई कार इज ए ब्यूटीफुल। तो मैंने वस्तु बताई थी, तो ये जो वस्तु है वो क्या है, हमारा कार है। और आगे हम लोग तो और अच्छे समझते हैं प्राणियों के नाम, जैसे हामिद हरी आशु आदि हो सकते हैं। वस्तुओं के नाम को देखते हैं, बुक पेन चेयर और भी हो सकते हैं। स्थानों के नाम को हम लोग अगर देखेंगे तो प्रयागराज दिल्ली आगरा और भी हो सकते हैं। सबसे सिंपल हमारा याद रखना है क्या, प्राणी वस्तु स्थान, इन्हीं तीनों को हम याद रखेंगे तो हम लोग नाउन को अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।
हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में नीचे अपनी राय दीजिए। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।